नाश्ता की रेसिपी बनाने के लिए हमने लगभग 100 ग्राम पनीर को लेकर के इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। एक बड़ा चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच सूजी, आवश्यकता अनुसार दूध, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, दो हरी मिर्च उसको हम बारीक काट लिए हैं, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा उसे भी हम इस तरह से क्रश कर लिए हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक और आवश्यकता अनुसार तेल। सबसे पहले एक बड़ा बॉल में हम पनीर को डाल देते हैं, मैदा, सूजी, अदरक और हरी मिर्च, कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इन सभी को अच्छी तरह से मिला करके और इसे अब हम हाथ से मिला लेते हैं, और जरूरत के हिसाब से इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका हम एक डो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसका हम डो तैयार कर लिए हैं। इसमें लगभग 1-1.5 चम्मच दूध लगा, बाकी दूध सारा बच गया। अब इसे हम ढक करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 10-15 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गया है डो। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल को लगा करके इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बॉल बन करके तैयार कर लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम तेल को डाल दिए हैं। तेल गरम हो चुका है, तेल को ज़्यादा गरम नहीं रखना है, गैस का फ्लेम को एकदम लो करके और इसे हमें तलना है। गैस का फ्लेम को हाई या मीडियम पे नहीं रखना है, इसे हमें लो करके ही तलना है। एक तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। एक तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम पलट देते हैं। इसे हमें उलट पलट करके अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इस तरह से सभी बॉल्स को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ करके इसे हम सर्व कर लेते हैं। पनीर बॉल्स बनकर तैयार है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।